निवेश के नाम पर व्यक्ति को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। इस मामले में दो भाइयों के खिलाफ बर्डी थाने में गुरुवार को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सादिकाबाद स्थित मानसरोवर कॉलोनी निवासी आरोपी सिराज मिनहाउद्दीन काजी और उसका भाई फैजल मिनहाउद्दीन काजी। आरोपियों ने कामठी रोड भिलगांव निवासी सिद्धार्थ नरेश दहिकर को बताया कि उनकी बायोडीजल वैन मिनी पंप रिटेल आउटलेट प्रोजेक्ट कंपनी है। उनके इस प्रोजेक्ट में निवेश करने पर ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। इस दौरान झांसी में आए सिद्धार्थ ने 10 जनवरी 2020 से 9 जून 2022 के बीच आरोपियों को 7 लाख रुपए दिए, लेकिन अभी तक उसे कोई भी लाभ नहीं मिला। मामला थाने पहुंचने पर दोनों ही आरोपी भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानेवारी 2020 मध्ये अहना एनर्जी लिमिटेड या बायोडिझेल कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक करून घेतली आणि त्यामध्ये फिर्यादी सिद्धार्थ नरेश दहिकर यांची 7 लाख रुपये बायोडिझेल मिनी पंप आणि बायोडिझेल मोबाईल डिझेल व्हॅन तसेच रिटेल आउटलेट अशा विविध प्रोडक्टच्या संदर्भानं कंपनीमध्ये गुंतवणूक करून घेतली, परंतु ते प्रोडक्ट गुंतवणूकदाराला दिले नाही अशी सिद्धार्थ नरेश दहिकर यांची तक्रार प्राप्त झाली। नमूद तक्रारीवरून आपण अपराध क्रमांक 230/22 कलम 406, 420 भादवीप्रमाणे गुन्हा नोंद केलेला आहे। यामध्ये एकूण 2 आरोपी आहेत, फैजल काजी आणि त्यांचे भाऊ सिराज काजी यांनी अनायनर लिमिटेडच्या माध्यमातून बँक अकाउंट काढून त्याच्यामध्ये गुंतवणूकदाराकडून गुंतवणूक घेतली आहे। प्रथमदर्शनी त्या दोघांचा रोल इस्टॅब्लिश झालेला आहे, म्हणून आपण त्यांच्या विरुद्ध हा गुन्हा दाखल केलेला आहे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक मानसी की रिपोर्ट।